नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ब्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो आपका डीवीडी राइटर होता है या सीडी रोम ड्राइव होती है वो शो नहीं करता। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे आप माई कंप्यूटर में देख रहे हैं, इसमें इंटरनल डीवीडी राइटर लगा हुआ है, उसके बाद भी यहाँ आपका शो नहीं हो रहा। तो इस प्रॉब्लम को अपन कैसे फिक्स करेंगे दोस्तों, आज मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बताऊँगा कि इसको आप कैसे करेंगे कि ये आपका डीवीडी राइटर, जो इंटरनल डीवीडी राइटर है जो आपके कैबिनेट में लगा होता है, वो कैसे शो करेगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, उसके लिए आपको जो रन कमांड होती है आपकी, जिसकी आप देख रहे हैं, रन कमांड राइट क्लिक करेंगे, रन, इसमें आपको लिखना है रेज एडिट। देखिए क्लिक किया, जैसा कि रेज एडिट लिखा हुआ ऑलरेडी, आप चाहे तो लिख सकते हैं या जैसे पहले आपकी कमांड चल चुकी है तो वो शो कर रहा है। इस पर आप ओके पे क्लिक करेंगे, रेज एडिट, यस। आप देखिए, आप इसमें जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वो आप आराम से करते जाइए और आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी दोस्तों के साथ। इसमें आप भी देख रहे हैं कि जो माई कंप्यूटर्स में एच की ये बनी हुई है, एच की क्लासिक, एच की करंट यूज़र, लोकल मशीन, एच की यूज़र्स, एच की करंट कॉन्फ़िग। इसमें से दोस्तों जो आपको जैसे ये लिखा है कि एच की लोकल मशीन है ना, तो जो अपना मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपकी एच की लोकल मशीन में आती है, तो इसमें आप क्लिक करेंगे और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, ये नेक्स्ट स्टेप आप दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद आपका जैसे कि एच की मशीन, इसके बाद सिस्टम में जाना है आपको, सिस्टम के बाद आपको करंट कंट्रोल सेट है ना, ये देखिए इस पे जाना है आपको। इसके बाद इसी में आपका सर्विसेज पे जाना है आपको, ये स्टेप आप देखते जाइए, इसी हिसाब से आपको करना है। और ये सर्विसेज में जाके एक जो आपकी कमांड होती है ना सर्विसेज में, ATAPI ATAP है ना, ये आप इसमें देखेंगे, ये इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है राइट क्लिक करना है और इसमें एक न्यू फोल्डर आपको है ना न्यू पे जाके क्लिक करना है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें न्यू में की, तो ये जैसे आ रहा है आपने देखा होगा कि डिफ़ॉल्ट जो है न्यू की वन आ रहा है, हैश वन, इसमें आपको टाइप करना है कंट्रोलर ज़ीरो है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जो है सी जो है इसका कैपिटल करना है आपको है ना, और ये लिखने के बाद एंटर करना है ये, और इसके बाद इसको राइट क्लिक करना है आपको है ना, और इसमें ये जो है डी वर्ड 32 बिट वैल्यू है ना, इस पे जाकर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक किया आपने तो यहाँ एक वैल्यू आ रही है कि जैसे इसमें दिखा रहा है न्यू वैल्यू हैश जीरो वन, इस पर आपको लिखना है NM डिवाइस, आप दिख रहे हैं इसमें, बस ये याद रखना कि ये कैपिटल है और ई कैपिटल और डी कैपिटल ये रखना है। इसको फिर इसका आप राइट क्लिक करेंगे और मॉडिफाई जा गया, इस पर आप क्लिक करना है। इसमें आप देख रहे हैं कि वैल्यू डाटा इसमें जीरो शो कर रहा है, इसको हटाकर आपको वन करना है और ओके कर देना है दोस्तों। और इसके बाद आपको अपनी मशीन को वन टाइप करने के बाद जैसा आपने किया था, और जो है आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाती है, इस तरह से ये जो एरर है वो फिक्स हो जाएगी आपकी। इसके बाद आप अपनी मशीन को रीस्टार्ट करेंगे, मैं इस मशीन को अपने को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद आपको रीस्टार्ट हो जाए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या करना है। ये दोस्तों जैसे कि अभी मशीन रीस्टार्ट हो गई है और अपन देखते हैं कि अपनी जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है कि नहीं ड्राइव की। आइए माई कंप्यूटर में जाते हैं, ये माई कंप्यूटर में गया अपन, ये देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपकी डिवाइस है यह प्रॉपर वर्क करने लगी है और ये डिवाइस एक्सेस हो रही है और
इस तरह से दोस्तों आज मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया कि आपकी जो सीपीयू में जो डिवाइस लगी होती है इंटरनल डिवाइस जो डीवीडी राइटर या सीडी रोम, अगर वो विंडोज 7, 8 या 10 में रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है प्रॉपर, या वो अपने आइकॉन को ही शो नहीं कर रहा है इस जगह माय कंप्यूटर में, तो वो आप कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।